ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में ओवरहेड लाइन से इकट्ठा की हुई पावर पहिए के माध्यम से फ्लो होने के बाद पटरी की ग्राउंडिंग केबल में पहुंच सकती है। यहाँ एक सिंगल स्लाइडिंग वायर ओवरहेड लाइन से इलेक्ट्रिक पावर इकट्ठा करती है। पावर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को दी जाती है। इंडक्शन मोटर का रोटर व्हील से जुड़ा होता है। सर्किट को पूरा करने के लिए इंडक्शन मोटर का दूसरा टर्मिनल जमीन के संपर्क में होता है। जमीन से संपर्क इसीलिए संभव है क्योंकि वायर को पहले व्हील से एक्सल ब्रश के जरिए जोड़ा जाता है। व्हील्स हमेशा पटरी के संपर्क में रहता है और पटरी कुछ इस तरह जमीन से संपर्क में रहती है जैसा कि दिखाया गया है। कभी कभी ट्रेन और ओवरहेड लाइन्स की दूरी समान रखना संभव नहीं हो पाता है, जिसका मतलब है उचित पावर कलेक्शन के लिए एक हाइट वायरिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पेंटोग्राफ इस कार्य को पूरा करता है। एक आधुनिक पेंटोग्राफ इस तरह दिखता है। देख सकते हैं कि न्यूमेटिक सिस्टम के आधार पर पेंटोग्राफ मैनेज कर सकता है। आप पेंटोग्राफ को कार्य करते हुए आप देख सकते हैं। हम इंडक्शन मोटर सप्लाई की फ्रिक्वेंसी बदलकर स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं। रेक्टिफायर एक इन्वर्टर द्वारा पूरा किया जाता है। पायलट फ्रिक्वेंसी को बदलने के लिए लीवर को एक अलग नोच पर सेट कर